हेलो दोस्तों, मैं संगा और आज मैं आपको बताऊंगी लड़की को अपने नजदीक आने के लिए कैसे मनाएं, कौन से काम करें कि लड़की आपके नजदीक आना, आपके करीब आना पसंद करने लगे, उसके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स आए। तो अगर आपके कोई क्रश है, आप किसी लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखो। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आप जो है उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करो। वो इसलिए क्योंकि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है तो उस इंसान से बात करते समय हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, अनकंफर्टेबल फील नहीं करते हैं और उस इंसान से हम खुलकर बात कर पाते हैं क्योंकि हमें उसके बारे में पता है। लाइक जैसे कि अगर आप फ़ोन तो चला रहे हो लेकिन उस फ़ोन का आपको यूज़ करना नहीं आता है कि कैसे एप्लीकेशन खुलेगी, कैसे ऐप का यूज़ करना है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जो है उसे प्रॉपर तरीके से सही यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या है किसी और से पूछना पड़ेगा कि यार इस फ़ोन को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इस एप्लीकेशन को चलाते हैं। तो ठीक इसी तरह से लड़की को इम्प्रेस करने के लिए या लड़की को अपने नज़दीक लाने के लिए ज़रूरी क्या है कि आप पहले उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करें ताकि आपको पता रहे कि उसे इम्प्रेस करने के लिए आपको किस तरीके की बातें करनी है, कैसे उसके दिल में अपने लिए जगह बनानी है, ठीक है। और लड़की की बात करें कि तो लड़कियां जो हैं ऐसे ही लड़कों को पसंद करती हैं जो हमेशा उसके इंटरेस्ट के बारे में बातें करते हैं। इसके अलावा दूसरा काम कि लड़की से बात करते समय आप थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके भी रखें। कभी कभी कुछ लड़के क्या करते हैं कि जैसे कि नई नई दोस्ती हुई है, ठीक है, वो उस लड़की को पसंद करते हैं लेकिन लड़की की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, उसने सिर्फ दोस्ती को एक्सेप्ट करा है। तो अक्सर लड़के जो है लड़की को इम्प्रेस करने के लिए या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूर से ज़्यादा अटेंशन देने लगते हैं, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहने के लिए कोशिश करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा केयर दिखाते हैं। तो आप बेशक अपनी तरफ से सही करते हो लेकिन लड़की को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चेप हो रहे हो, ठीक है। एक तरह से वो होता है ना कि इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है, थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है ताकि लड़की को आप अपने बारे में सोचने का मौका दो, उसे आपके बारे में जानने में क्यूरियोसिटी हो। क्योंकि जब हम किसी इंसान से दूर होते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम उस इंसान के को अपनी याद दिलाने के लिए मजबूर करते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि आप उसके साथ अपना बिहेवियर अच्छा रखो, ठीक है, उसके अपने बिहेवियर में उसकी केयर दिखाओ लेकिन थोड़ी सी दूरी भी बनाओ, ठीक। इसके अलावा अगला काम ये है कि जब भी आप उससे बात कर रहे हो तो प्रॉपर उसको सुनना पसंद करो। ऐसा मत करो कि वो आपको कुछ बता रही है और आपका ध्यान उस पर है ही नहीं, ठीक है। आप अपने फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, वो आपको कुछ बता रही है और आप पूरी तरह से कहीं और ही है, मतलब ख्यालों में ही डूबे पड़े हो। तो ये काम नहीं करने। अगर वो आपके साथ में है तो आप पूरी उसे अटेंशन दो, चाहे वो 5 मिनट ही सही, लेकिन जब आप उसे पूरी तरह से अटेंशन दोगे, ठीक है, एक तरह से मेंटली और फिजिकली तौर पर उस लड़की को लगेगा कि आप उसको सुनना पसंद करते हो, आपको उसकी बातें अच्छी लगती हैं, तो इससे लड़की जो है आपके नज़दीक आना पसंद करने लगेगी। इसके अलावा अगला काम है कि आप जो है खुद को भी इम्प्रूव करते रहो, अपने लुक को भी बेस्ट बनाने की कोशिश करो। क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि आज के टाइम में ज़्यादातर लड़कियाँ जो लुक वाइज लड़कियाँ अच्छे होते हैं, हैंडसम दिखते हैं, अपने लुक को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लड़कों को जल्दी पसंद कर लेती हैं। जो लड़के हैंडसम होते हैं, जिनका लुक अच्छा होता है, उन्हें लड़की को इससे इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लड़की खुद उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं। तो इसलिए अगर आपका लुक अच्छा नहीं है तो कोशिश ये करें कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने की कोशिश करें, बूस्ट करें, ताकि लड़की जो है आपके नज़दीक आना पसंद करने लगे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिन पर आप अगर काम करते हो तो इससे लड़की जो है आपके नज़दीक आना पसंद करने लगेगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।